इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके जिले। सीधा कहने का मतलब यह है उन प्रदेश के बारे में जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो हम आगे स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहला आता हमारा मध्य प्रदेश। तो पहले एक बार इसको कॉन्फिग कर लेता हूँ तो थोड़ा आपके समझने के लिए अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य है। इसकी जो कुल 13 जिले इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। सबसे पहला आपका भिंड, सॉरी मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतरा, रीवा और सिंगरौली, ये 13 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। जो मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के ये 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब हम आगे चलते हैं बिहार। दूसरा नंबर बिहार राज्य है। बिहार राज्य के कुल 8 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। जो सबसे पहले नंबर पर है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है आपका गोपालगंज, तीसरा आपका सीवान जिला, चौथा है आपका सारण, पांच आपका भोजपुर, छठा है बक्सर, सातवां है कैमूर, आठवां आपका रोहतास। अर्थात बिहार के इन 8 जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करती हैं। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। हरियाणा राज्य, इसके कुल 8 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। यहाँ के कितने आपका 8 जिले, जो 8 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करेंगे। पहले नंबर आपका यमुनानगर, दूसरे पर आपका करनाल, तीसरे पर पानीपत, जो 4 नंबर पर सोनीपत, पांचवा है फरीदाबाद, छठवा है पलवल, सातवा है नूह। ये आपको याद रखने में हरियाणा के 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगली स्लाइड पे है उत्तराखंड। क्या आप देख रहे हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड के कुल 5 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। पहले पे आपका देहरादून, दूसरे पर हरिद्वार, तीसरे पे पौड़ी, चौथे पे नैनीताल, पांचवे पे उद्धम सिंह नगर। ये उत्तराखंड के 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य के कुल 2 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये आपका भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। ये दोनों जिले की सीमा केवल आगरा, याद रखना आगरा को स्पर्श करती है, और मथुरा। आगरा और जो मथुरा है उनको ये स्पर्श करती है। जो धौलपुर है ये आगरा में, आगरा को स्पर्श करता है। भरतपुर है जो मथुरा और आगरा, इन दोनों को स्पर्श करता है। इस प्रकार से राजस्थान के 2 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। आपका छठे नंबर पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का केवल 1 जिला है, वो है बलरामपुर, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। अगले टॉपिक आते हैं झारखंड। झारखंड राज्य का भी 1 जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, जिसका नाम है गढ़वा। गढ़वा जिला जो
झारखंड का है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। बात है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, जिसका नाम है सिरमौर। ओके, यहाँ पर देखना, हिमाचल प्रदेश का एक जिला, झारखंड का एक जिला और छत्तीसगढ़ का एक जिला, इन तीन राज्यों के एक एक जिले स्पर्श, एक एक जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। और राजस्थान है उसके दो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो चैनल का नाम है पोरस ब्लॉग जीके। थैंक यू, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।